अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो कैसे आप लोग? खैरियत से? ठीक ठाक, उम्मीद करता आप लोग सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। सो आज काफ़ी टाइम बाद में वीडियो बनाने वाला। सर एक्चुअली बात ऐसी थी, मैं थोड़ा बिजी था। उम्मीद चाहता क्यों असर तो एक्चुअली बात ऐसी थी, मैं काफ़ी टाइम से थोड़ा बिजी था, अपने थोड़े काम वाम थे उनमें बिजी था, थोड़ा घर के भी कुछ काम थे। सो मैं ब्लॉग नहीं बना सका। काफ़ी दोस्त पूछ रहे थे कि आप कि कोई नई वीडियो नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है। सो आज मैं आप लोगों के लिए कुछ सरप्राइज लाने आया हूँ। जो आज मैं दो चीज़ें मैंने ऑर्डर की थी, सो वो आ गई है, मैं उनको अनबॉक्सिंग करूँगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों का जो है फर्स्ट चीज़ जो मैंने खुद जाके बाज़ार में लिया, सो वो ये है। सो सबसे पहला चीज़ जो हम लोगों का है वो है बोया का MM1 माइक। सो ये मैंने बाज़ार जाके लेने की कोशिश किया, मैंने आगे पीछे देखा, पता नहीं क्यों मेरा मोबाइल उसको सपोर्ट नहीं कर रहा था। सो फिर मेरे एक दोस्त के पास था बोया M1, तो मैंने ये उससे लिया, उसने मुझे दिया, थैंक यू सो मच। और उससे फिर जाके अपने लिए दूसरा लिया। सो पहले हम लोग इसको अनबॉक्सिंग करेंगे, उसके बाद मेरे आज मेरे एक पार्सल आया है दराज की तरफ से, ये है ट्राइपॉड की सर्विस, मैं देता हूँ। ये है मेरा गोरिल्ला स्टैंड, और इसके साथ आता है एक क्लिप, और इसके साथ एक मैंने और एक्स्ट्रा क्लिप भी लिया हुआ है। जो इसकी क्वालिटी थोड़ी सी कमज़ोर है, सो ये मोबाइल को सही से कैच नहीं कर सकेगा, तो ग्रिप के लिए ये बहुत अच्छा चीज़ है। और ये मैंने जाके खुद बाज़ार से लिया है। ये है आपके मोबाइल को मतलब स्क्रैचेस भी आने नहीं देगा, और इसकी ग्रिप भी बहुत अच्छी है। सो पहले इसकी अनबॉक्सिंग करते गोरिल्ला स्टैंड की, उसके बाद हम लोग माइक का अनबॉक्सिंग करेंगे। उसमें मैं आपको लोगों को ये भी दिखाऊंगा कि मेरी वॉइस क्वालिटी जो है, जब मैं वैसे बना रहा हूँ वीडियो तो उसमें वॉइस क्वालिटी कैसी है, और वीडियो बनाने के बाद मेरी वॉइस क्वालिटी कैसी होगी। सो ये है हमारा स्टैंड गोरिल्ला का, और इसके बाद जो है मैं इसका अनबॉक्सिंग करूँगा। इसमें आता है इसका क्लिप जिसमें ये माइक लगता है, और इसका पाउच है, और इसमें दो लीड दिए होते हैं। ये वाला जो लीड है ये असल में कैमरे के लिए होता है, और ये वाला जो लीड होता है ये आपका मोबाइल फ़ोन के लिए। इस पर लिखा भी होता है फ़ोन, और इस पर लिखा है नहीं, इस पर नहीं लिखा है, लेकिन ये कैमरे वाला है। सो पहले हम लोग माइक किधर के, ये इसका माइक है, और ये जो है मतलब विंड, ये जो है आगे पीछे का जो विंड होता है, जो हवा होती है, जो बाहर के साइडों की आवाज़ें होती है, ये उसको कंट्रोल करने के लिए होती है। ये जिस तरफ इसकी डायरेक्शन होती है ये ज़्यादातर उस आवाज़ पे तवज्जो करती है। सो मैं आप लोगों को ये इंसर्ट करके दिखाता हूँ। ये है गोरिल्ला का स्टैंड, और मेरा व्लॉगिंग फ़ोन जो है वो आईफोन 8 प्लस है, और मैं अभी अपने दूसरे फ़ोन से सैमसंग से शूट कर रहा हूँ। वो इसलिए क्या, क्योंकि इसका एक चीज़ मिसिंग था, वो जो इसमें लीड इंसर्ट आईफोन का जो कनेक्टर है वो इसका ये लीड चेंज है। सो हम लोग ये इंसर्ट नहीं कर सकते। सो मैंने मंगवाया हुआ है, सो वो एक दो दिन में पहुंच जाएगा। उसके बाद ये जो एक दूसरा जैक है वो भी मैंने मंगवाया हुआ है ऑनलाइन, वो इधर इंसर्ट हो जाएगा। सो फिर अभी मैं अपने दूसरे फ़ोन में उसमें ये इंसर्ट हो सकता है, उसमें ये इंसर्ट करके दिखाता हूँ कि मेरी वॉइस क्वालिटी कैसे इंप्रूव होती है कि नहीं। सो आप देखिएगा कि मतलब फिर बताइएगा कि वॉइस क्वालिटी इंप्रूव होती है। इसमें तो वो हम लोग इंसर्ट नहीं कर सकते थे, सो अभी मैंने अपने दूसरे फ़ोन पे इंसर्ट किया हुआ है। सो आप लोगों को क्या लग रहा है, मेरी वॉइस क्वालिटी जो है वो थोड़ी सी इम्प्रूव हो गई है, या मतलब पहले ही जैसी है? सो मुझे लगता है थोड़ी बहुत हमेशा इम्प्रूव हो ही गई होगी, क्योंकि ये बोया का MM1 जो है ये बहुत फेमस माइक है, और मतलब मीन्स बहुत एक कम रेंज में बहुत अच्छा क्वालिटी का माइक है। सो अभी जब हम इसका कनेक्टर ले लेंगे, सो फिर ये माइक इसके ऊपर फिट हो जाएगा, सो ये हमारा कम्प्लीट व्लॉगिंग सेटअप बन जाएगा। सो अभी मैं माइक जो है वो वापस निकालूंगा, सो आप लोग बताइएगा क्वालिटी में थोड़ा बहुत फ़र्क आया, हार है कि नहीं आ रहा। सो ये थी मेरी वीडियो। सो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और मेरी और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों के पास आ जाए। सो इंशाल्लाह मैं हर हफ्ते इसी तरह वीडियो बनाता रहूँगा। सो मैं कोशिश करूँगा मैं हर हफ्ते बनाया करूँ। सो अल्लाह ने के बाद अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़।